हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैं आज लेकर आया हूँ मुजफ्फरपुर के कांटी कौटिया शरीफ के दरगाह पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप मज़ार देख रहे हैं, हज़रत इस्माइल अली शाह का मज़ार है, और यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ पे उर्स नहीं है, और यहाँ पे 13 मार्च को उर्स होने वाला है। मैं 13 मार्च को बताऊंगा इस मज़ार के बारे में, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का उर्स कैसे होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हज़रत इस्माइल अली शाह का दरगाह पे, और मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। दोस्तों ये वही मज़ार है जो मुजफ्फरपुर कांटी यानी कि कौटिया शरीफ का मज़ार है, और ये मज़ार इतना अनोखा देखने को लगता है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ड्रोन से ले रहा हूँ कैमरा, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये कश्ती यानी कि नाव की सवारी करते थे हज़रत इस्माइल अली शाह। जी हाँ दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन जो आप बनाया है इंजीनियर ने, वो बहुत ही अलग डिज़ाइन का बनाया, क्योंकि हज़रत अली शाह जो थे वो नाव की कश्ती करते थे, कश्ती पे सवारी करते थे। जी हाँ दोस्तों, देखने को कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंजर, आप देख सकते हैं, और बगल से कितना हरियाली है, हरा भरा है, जो कि मज़ार के आजू बाजू चारों ओर लीची का बगान है। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर, आपको पता होगा मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा इंडिया में यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लीची का यहीं पर उत्पाद होता है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कौटिया शरीफ का मेन गेट है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से, जो कि बिल्कुल नाव की तरह है। मैं पार्ट टू लाता हूँ दोस्तों, फ़िलहाल ये वीडियो अभी तक का है, पार्ट टू में मैं आपको दिखाता हूँ 13 मार्च को उर्स। थैंक यू दोस्तों।